नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के नेटौर की, जहां नेटौर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रहे कई पशुओं को रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही लगभग 6 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार काफी दूर जाकर पलट गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि नेटौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोशिया निवासी जाहिद कुरैशी सहित कार में 4 से 5 लोग सवार थे और कहीं जा रहे थे। तेज गति होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और नेटौर से हल्दोर मार्ग पर पड़ने वाले गांव गड़ी में पहुंचते ही कार ने सड़क पार कर रहे कई पशुओं को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लगभग 6 पशुओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि कार की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। हालांकि कार में सवार 4 से 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लगभग 6 पशुओं को टक्कर मारकर कार काफी दूर जाकर पलट गई। घटना के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने खूब हंगामा काटा। हादसे की सूचना पर नेटौर थाना अध्यक्ष पंकज तोमर व कस्बा इंचार्ज बबलू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया, कहाँ रहते हो, क्या हुआ? गाड़ी वाला आया, उन्होंने उड़ा दिया। क्या उड़ा दी? दो भैंस मर गई। कितने का नुकसान है? लगभग कम से कम 1 लाख। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।